हाय दोस्तों, मैं हूं इरशाद कामिल और मैं हाजिर हूं नया कवि नया कलाम के सीजन 2 के एपिसोड 1 के साथ। आज जो कविता मैं आपके लिए लेके आया हूं वो कविता है उमेश मौर्य की। उमेश मौर्य सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से हैं, तकनीकी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और आजकल ओमान में हैं, वहाँ काम करते हैं। जल्द ही इनका एक कविता संग्रह तुम नाम से आने वाला है। आज जो मैं कविता पढ़ने जा रहा हूँ उस कविता का शीर्षक है सूखते कंडे। कंडे कांटों को बोलते हैं, यानी कांटे। कविता ऐसे शुरू होती है, हम सूख कर कंडा हो रहे हैं, अब चूल्हे में डाल दिए जाएंगे। हम सूख कर कंडा हो रहे हैं, यानी सूख कर कांटा हो रहे हैं, अब चूल्हे में डाल दिए जाएंगे। कुछ लोग सेकेंगे कुर्सी पर बैठकर हाथ, या सेकेंगे अपनी अपनी रोटियां, मिटाएंगे भूख। हम सूख कर कंडा हो रहे हैं, अब चूल्हे में डाल दिए जाएंगे। कुछ लोग सेकेंगे कुर्सी पर बैठकर हाथ, या सेकेंगे अपनी अपनी रोटियां, मिटाएंगे भूख। बारी बारी जलेंगे हम और करेंगे अपनी अपनी बारी का इंतज़ार। बारी बारी जलेंगे हम और करेंगे अपनी बारी का इंतज़ार। कुर्सी भी लकड़ी की है, वो सदा बचा ली जाएगी बैठने को। जो बैठेगा वो तापेगा। चिंगारियां उठती हैं, बुझ जाती हैं। आग कभी ना पहुंच पाई चौपाए तक, विशेष दूरी के कारण। यहाँ कंडों की कमी नहीं, बस ठंडी का रहता है इंतज़ार। ये कविता है उमेश मौर्य की। चलिए अब इस कविता को खोलते हैं। मेरे ख्याल से ये कविता सूखते कंडे, जिनको मैंने कहा कांटा भी बोलते हैं, सरकंडे भी बोलते हैं। सरकंडे वो होते हैं जिनसे वो कलम बनती है, जो तख्ती पे लिखती है ना, एक एक बहुत ही नरम सा बांस होता है, उसको काटा जाता है, फिर उसकी कलम बनाई जाती है, उनको सरकंडे बोलते हैं। हम सूख कर कंडा हो रहे हैं, अब चूल्हे में डाल दिए जाएंगे। ये बात, ये कविता असल में शोषित लोगों की कविता है। शोषितों की बात, जो दबे कुचले हैं, डाउनट्रोडन्स, उनकी बात कर रही है यह कविता। या कह लीजिए उस निम्न मध्यवर्गीय जो एक तबका है, उसके बारे में, आम आदमी के बारे में बात कर रही है। ये सोशो पॉलिटिकल कमेंट देने की कोशिश कर रही है कविता। दबी कुचली आम जनता की बात कर रही है। वो कंडा है, सूखा हुआ कंडा, सूखा हुआ कांटा है, जो जलने के काम आएगा। हम सूख कर कंडा हो रहे हैं, अब चूल्हे में डाल दिए जाएंगे। कुछ लोग सेकेंगे कुर्सी पर बैठकर हाथ। अब ये कुर्सी कहने के लिए ये बात बड़ी सीधी है, कुछ लोग कुर्सी पर बैठ के हाथ सेकेंगे, लेकिन ये कुर्सी रुतबे वाली है, जिसे आप स्टेटस कहते हैं, पद कहते हैं। कोई जीत जाता है नेता, कोई बहुत ऊंचा अधिकारी हो जाता है, तो कुर्सी पर बैठकर कुछ लोग सेकेंगे हाथ, या सेकेंगे अपनी अपनी रोटियां, मिटाएंगे भूख। या सेकेंगे अपनी अपनी रोटियां, मिटाएंगे भूख। वो कहते हैं ना कि अपनी रोटी सेक ली उसने, किसी मौके का फायदा उठा लिया। रोटी सेकना मतलब मौके का फायदा उठाना। जलेंगे हम, लेकिन कुर्सी पे बैठे हुए लोग मौके का फायदा उठाएंगे। और बारी बारी से हम जलने के लिए अपनी बारी का इंतजार करेंगे। हमारा फायदा उठाया जाएगा, हमें पता होगा, हम इंतज़ार में होंगे कि अभी हमारा फायदा उठाया जाएगा, लेकिन हम कुछ कर नहीं पाएंगे। कुर्सी भी लकड़ी की है, यानी जलने का मादा जैसे सरकंडे में है, उस तरह से लकड़ी की कुर्सी में भी जलने का मादा है, वो भी जल सकती है। वो सदा बचा ली जाएगी बैठने को, यानी जो सुरक्षित लोग हैं, जो उच्च स्तरीय कह लीजिए लोग हैं, जो अच्छे पदों पे हैं, या नेता लोग हैं, या उनके साथ जिनके संबंध हैं,
वो बच जाएंगे, उनको बचा लिया जाएगा, वो बैठेंगे, तापेंगे, वो मजा लेंगे, लेकिन उन पर कोई आंच नहीं आएगी। और अब वो पंक्ति आती है जो मुझे बड़ी अच्छी लगती है, चिंगारियां उठती हैं, बुझ जाती हैं, मतलब आंदोलन होते हैं, विरोध होते हैं, कोई ऐसा लगता है कि एक सही इंसान आवाज़ उठा रहा है, ये सब चिंगारियां उठती हैं, बुझ जाती हैं, या कह लीजिए इनको बुझा दिया जाता है, इनको उठने नहीं दिया जाता, आंदोलन कामयाब होने नहीं दिए जाते सत्ता के द्वारा, मौजूदा दौर में या इतिहास में, किसी भी देश का इतिहास को ऐसा ही होता है, जब आवाज़ उठाई जाती है तो उस आवाज़ को दबाने की कोशिश की जाती है। आज़ादी की लड़ाई में हम हिंदुस्तानियों ने आवाज़ उठाई तो अंग्रेज़ों ने उस आवाज़ को दबाने की कोशिश की, किसी भी आंदोलन के साथ, किसी भी विरोध के साथ ऐसा ही होता है। यहाँ कंडों की कमी नहीं, बस ठंडी का रहता है इंतज़ार। यहाँ जलने वाले सूखे कंडे या दबे कुचले हुए आम आदमी जिनका इस्तेमाल किया जाए वो बहुत हैं, बस मौके का इंतज़ार रहता है। तो उमेश मौर्य, ये आपकी बड़ी अच्छी कविता है, एक सोशो पॉलिटिकल किस्म का कमेंट किया है आपने इस कविता में, लिखते रहिए, हमारी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से आपको बेस्ट विशेस। तुम्हें उदास सा पाता हूँ मैं कई दिन से, न जाने कौन से सदमे उठा रही हो तुम। तुम्हें उदास सा पाता हूँ मैं कई दिन से, न जाने कौन से सदमे उठा रही हो तुम। वो शोखियाँ, वो तबस्सुम, वो कह कहे न रहे, हर एक चीज़ को हसरत से देखती हो तुम। छुपा छुपा के खामोशी में अपनी बेचैनी, खुद अपने राज की तशहीर बन गई हो तुम। हाय, मैं हूँ इरशाद कामिल और हाजिर हूँ आपके सामने एक नई सीरीज़ लेकर जिसका नाम है शायर।